स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था विषाणु और विषाणु से संबंधित खोजें। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे विषाणु के सामान्य लक्षण। तो हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे विषाणु के सामान्य लक्षण, जिसे हम कह सकते हैं जनरल वायरसेस। तो विषाणुओं के सामान्य लक्षण क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो सभी लोग डालेंगे नंबर फर्स्ट डालेंगे और नंबर फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं विषाणु केवल, लिखेंगे विषाणु केवल अति सूक्ष्म कणकामय संरचनाएं हैं जिनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। फिर नंबर दूसरा डालेंगे, दूसरा नंबर है विषाणुओं का आकार 10 से 300 mm, विषाणुओं का आकार 10 से 300 mm के लगभग होता है। नंबर थ्री, विषाणुओं को जीवाणु छनित्र द्वारा छानने पर भी अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल विशेष प्रकार के आणविक फिल्टरों द्वारा जो बहुत ही सूक्ष्म छिद्र वाले प्लास्टिक पदार्थों से बने होते हैं, जिन्हें हम कोलोडियन कहते हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा इन्हें छनित्र किया जा सकता है। यानी कि विषाणुओं को हम छान भी नहीं सकते, लेकिन कोलोडियन के द्वारा हम इनसे अलग कर सकते हैं। अगला नंबर लिखेंगे सजीव कोशिका के बाहर उपस्थित विषाणु निर्जीव कणों के रूप में होते हैं। किसी सजीव कोशिका द्रव में पहुंचते ही ये सजीव लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। कि मतलब ये इन्होंने ये बताया है इस पॉइंट में कि ये जो सजीव कोशिका के बाहर होते हैं तब तक ये कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी कि ये निष्क्रिय होते हैं। और जैसे ही जैसे किसी सजीव कोशिका में पहुंच जाते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि अपना कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनमें क्रियात्मक स्वायत्तता का अभाव होता है। सबसे छोटे विषाणु कण का आयतन 7 × 10⁻⁷ μm² होता है। हम आपको लिखे दे रहे हैं, लिख लेंगे कितना होता है 7 × 10⁻⁷ μm होता है। अगला पॉइंट, विषाणु अंतःकोशिकीय वातावरण में बहुगुणन करते हैं तथा प्रतिलिपिकरण के लिए अंतःकोशिकीय घटकों जैसे राइबोसोम्स आदि पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे विषाणुओं का संवर्धन कृत्रिम माध्यम में नहीं किया जा सकता। कोई भी मृतोप जीवी विषाणु अब तक ज्ञात नहीं है। अगला पॉइंट, विषाणुओं में लिपमेन तंत्र पाया जाता है, यानी कि जैसे कि हम लोगों में जो सिस्टम पाया जाता है, इनमें विषाणुओं में लिपमेन तंत्र पाया जाता है जो कोशिकाओं में
उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिकाओं में उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इस तंत्र के संश्लेषण के लिए इनमें अनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, विषाणुओं में ना तो वृद्धि होती है, ना विषाणुओं में ना तो वृद्धि होती है और ना ही ये द्विभिभाजन करते हैं, लेकिन ये प्रतिलिपिकरण करते हैं, यानी कि अपने जैसे ही दूसरी संरचना को बना लेते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, विषाणु पोषी विशिष्टता दर्शाते हैं, अगला पॉइंट, ये ताप एवं आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं, अगला पॉइंट, साधारणता विषाणु अम्लों क्षारों लवणों आदि के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। किसके प्रति होते हैं? अम्लों क्षारों और लवणों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इनको रसायन तथा उच्च उपचार द्वारा निष्क्रिय किया जाता है, यानी कि अगर तेज ताप हो तो ये विषाणु जो होते हैं वे नष्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप इस समय भी समझ रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसे भी उच्च ताप की आवश्यकता है, अगर उच्च ताप पड़ने लगे तो कोरोना की जो स्थिति होती है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो यानी कि विषाणुओं को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? उच्च ताप के द्वारा। अगला पॉइंट, विषाणुओं को एसीटोन सेफ्रिनिन एथिल एल्कोहल आदि घोल में अपेक्षित करके पुनः जल में घोला जा सकता है, यानी कि विषाणुओं को एसीटोन सेफ्रिनिन एथिल एल्कोहल आदि घोल में अवक्षेपित करके पुनः घोला जा सकता है। तो ये थे विषाणुओं के सामान्य लक्षण। इसके आगे आपको अगली हेडिंग डालनी है जिसका नाम है विषाणुओं के सजीव लक्षण, तो हेडिंग डालेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण। इसे हम कह सकते हैं लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। तो विषाणुओं के सजीव लक्षण क्या है समझेंगे। ये केवल पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये केवल सजीवों में सक्रिय रूप में मिलते हैं, दूसरा पॉइंट, इनमें सजीव तंत्र के समान ही आरएनए व डीएनए पाया जाता है। नंबर थ्री, इनमें प्रतिजनी गुण होते हैं। नंबर फोर, ये केवल सजीव कोशिकाओं के भीतर ही गुणन करते हैं, अगला पॉइंट, सजीवों के समान विषाणुओं की भी माप आकृति तथा संरचना निश्चित होती है, अगला नंबर, इनमें संक्रमण की क्षमता होती है, यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संक्रमण फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो इनमें संक्रमण की क्षमता होती है। ये एक से दूसरे पोषी पर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि टच बेबिलिटी यानी कि छुआछूत, ये जो वायरस है इस समय जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, ये भी क्या है? टच बेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत है, यानी कि छूने से ही वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, तो क्योंकि इनमें इन्फेक्शन की क्षमता अधिक होती है और ये दूसरे में स्थानांतरित उसी प्रकार से भी हो जाते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पोषक कोशिका में उपस्थित विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का द्विगुणन व प्रोटीन संश्लेषण सजीवों की भांति होता है।
तो ये थे आपके विषाणुओं के सजीव लक्षण। कल हम आपको क्लास में पढ़ेंगे विषाणुओं के निर्जीव लक्षण, तो ये सभी आप लोग सब नोट कर लेंगे, जो समझ में ना आया वो हमसे पूछ लेंगे।